हेलो स्टूडेंट, आई एम मीतू एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी कॉन्फिडेंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ में जो हमारा JSTSC का पेपर होता है उसका देखने वाले हैं। तो ये क्लास नाइन्थ के लिए है, देख लीजिए। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं पेपर करने के लिए। तो लिखा है, प्रश्न पुस्तिका खोलने से पहले निम्न निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मतलब ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपको इसके हिसाब से ही पेपर करना होगा। तो देख लीजिए, केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब आप ये पेपर करेंगे तो उसको भरने के लिए यहाँ पे OMR शीट मिलती है इसके आंसर्स भरने के लिए। तो उसमें आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, हमारा दूसरा निर्देश क्या है। तो दूसरा निर्देश है कि हमारे इसमें दो भाग होंगे, भाग एक और भाग दो। तो भाग एक हमारा होगा सामान्य ज्ञान GK के लिए, और जो हमारा भाग दो है वो होगा विषय दक्षता के लिए। मतलब हमारे उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जो हमारा GK है उसमें से 1 से 50 तक क्वेश्चंस आएंगे, और जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो 51 से 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस नंबर दे रखे हैं तो गलत मत समझिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा निर्देश क्या है। तो तीसरा निर्देश है, इस प्रश्न पुस्तिका में 200 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपको पेपर में 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन सभी 200 क्वेश्चंस को आपको करना होगा। उसके बाद है, चार विकल्पों में से केवल एक ही सही विकल्प को नीले काले बॉल पॉइंट पेन की मदद से छायांकित करें। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चार में से आपको एक ऑप्शन भरना होगा, वो भी या तो नीले या फिर काले बॉल पेन से भरना होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो आपको OMR शीट भरनी है उसमें आपको ऐसे पूरा गोला कलर करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उस पर रॉन्ग लगा दें या फिर क्रॉस कर दें या टिक कर दें या ऐसे करके सिर्फ साइड साइड में भर दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके पूरा सर्कल को कवर कर देना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। उसके बाद है, आवेदन पत्र तथा OMR पत्र में श्रेणी ST SC NPH का अंतर आपकी परीक्षा की सदस्यता को अवैध कर सकता है। तो जो आपने वो भरा होगा, इसके लिए फॉर्म भरा होगा, तो उसमें अगर आपने SC ST वगैरह भरा है या फिर आप OMR शीट में लिखते हैं ST ST वगैरह, तो उससे आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो वो सब चीज़ें ना लिखें। उसके बाद लिखा है, परीक्षार्थी एक बार लगाए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी भी प्रकार रगड़, ब्लेड, मिटाने वाली वस्तु, श्वेत रंजक, खोरचना इत्यादि से परिवर्तित नहीं कर सकता। तो अगर आपने एक बार OMR शीट में किसी आंसर्स को सर्कल कर दिया तो उसके बाद आप उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि उसको रगड़ दें या फिर ब्लेड से खुरच दें या फिर वाइटनर लगा दें या किसी भी चीज़ से, आप उसे नहीं बदल सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपका क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है, कच्चे कार्य के लिए प्रश्न पुस्तिका में अतिरिक्त प्रश्न जुड़ा है। मतलब आप जो रफ वर्क करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेज मिलेगा जिसपे आप कर सकते हैं रफ वर्क। उसके बाद लिखा है, कृपया OMR पत्र परीक्षा संपन्न होने पर कक्ष निरीक्षक को देने के पश्चात ही जाएं, सभी प्रश्न पुस्तिकाओं को अपने साथ ले जाएं। तो इसमें हमें बोला गया है कि जो हमारा OMR शीट होगी वो हमें, जो भी हमारा इंचार्ज होगा उस टाइम पे क्लास में, उसको दे के जाना होगा और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं और हमें अपने साथ ही लेके जाना होता है। उसके बाद लिखा है, निर्धारित प्रश्न पत्र को उसकी निर्धारित समय सीमा में ही OMR पत्र पर छायांकित करें। तो आपको इस पेपर को करने के लिए 4 घंटे मिलते हैं और उस 4 घंटे में ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और OMR शीट को भी भरना होता है। आपको OMR शीट के लिए कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से करिएगा और देख लीजिएगा कि आपका टाइम सही समय पे हो जाए सारे क्वेश्चंस, और OMR शीट भी साथ के साथ भरते जाइए। उसके बाद लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों, संगणक, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः निषेधित है। मतलब आप पेपर देते वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कंप्यूटर या मोबाइल किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते, ये सब कुछ बिल्कुल मना है। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारा क्लास नाइन्थ का JSTSE का पेपर होता है उसको करने के लिए क्या निर्देश होते हैं। तो चलिए अब हम आगे के वीडियो में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये